तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक शॉर्टकट तरीका जो कि आप लोगों को काफी पसंद आएगा और आपके डेली यूज में काफी काम आने वाला है। जी हां गाइस, कभी कभी होता क्या है कि हम व्हाट्सएप पर किसी के पास कुछ चीजें सेंड करते हैं, जिसके यहाँ पर मैंने कुछ भी यहाँ पर सेंड किया, जैसे कि मैंने अपनी बैंकिंग डिटेल्स यहाँ पर डाली और बैंकिंग डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर मुझे डालनी होगी अपनी सारी बैंकिंग डिटेल्स, अकाउंट नंबर, यहाँ के यानी कि IFSC कोड यहाँ पर डालना होगा, यहाँ पर ब्रांच डालनी होगी जो कि मुझे काफी टाइम लेगा, यानी कि काफ़ी टाइम लेगा गाइज ये डालने पर यहाँ पर। और मुझे यानी कि अकाउंट नंबर भी अपना कुछ यहाँ पर डालना होगा और IFSC कोड भी यहाँ पर मुझे कुछ डालना होगा, जिसके बाद हम यानी कि उसके पास भेज सकते हैं और यहाँ पर ब्रांच भी मुझको कुछ डालनी होगी। गाइज ये होता क्या है कि हमने किसी एक बंदे के पास ये सब चीज़ें सेंड कर दी और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है किसी दूसरे पर्सन के पास सेंड करने की। हम फिर दोबारा से बैंकिंग डिटेल्स डालने के लिए गाइज क्या करते हैं, यहाँ पर हम फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर अपना यानी कि ब्रांच डालेंगे, जो भी हम बैंकिंग डिटेल्स में देते हैं वो सब यहाँ पर डालेंगे, यानी कि हम बार बार इस चीज़ को डालेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। सो गाइस इसका एक शॉर्टकट तरीका आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यानी कि आप कुछ भी सेंड करते हैं, एड्रेस किसी को सेंड करते हैं जो कि आपके डेली यूज में बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी के पास करते हैं अपने किसी फ्रेंड या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ उसको शेयर करते हैं, सो गाइस उसको आपको बार बार टेक्स्ट करना पड़ता है। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह से शॉर्टकट तरीके से वो सब चीज़ें कर सकते हैं। सो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से एक छोटा सा काम कर लेना है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, मेरे मोटिवेट के लिए काफी है। गाइस आप ये मेरी जो वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर दबाकर ऑल पर क्लिक, इससे क्या होगा जो मेरी नई वीडियोस आएंगी वो आप सबसे पहले देख सकते हैं और उसका सबसे पहले फायदा उठा सकते हैं। सो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख रहे हैं यूनिक टेक्निकल पॉइंट चैनल। सो गाइज ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन पर आकर मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। गाइज प्ले स्टोर के अंदर जाने का आप एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है टेक्स्ट एक्सपेंड। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सर्विस इज डिजेबल्ड है, इसको इनेबल करना है। नीचे से इनेबल करने के लिए इनेबल पर क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पर गाइज मैंने इनेबल की है। एंड यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है, फ्रेज पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको शॉर्टकट में कुछ लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको लिख देना है बैंक। बैंक डालने के बाद गाइज यहाँ पर आप बैंकिंग डिटेल्स यानी कि डाल सकते हैं, जिसके यहाँ पर मैंने अपने बैंकिंग डिटेल्स का अकाउंट नंबर यहां पर मैंने डाल दिया, कुछ भी यहां पर जैसे मैं डाल देता हूं अकाउंट नंबर यहां पर मैंने डाल दिया है। जैसे कि IFSC कोड डालने के लिए मैं सिंपल से IFSC यानी कि कोड यहां पर हेडिंग डालूंगा और IFSC कोड इसके बाद यहां पर मैं लिख दूंगा, जैसे कि IFSC कोड भी गाइज मैंने डाल दिया है यहाँ पर। और नीचे की तरफ मैं ब्रांच लिखूंगा, यहाँ पर ब्रांच डालने के लिए सिंपल से मैं ब्रांच की पहले हेडिंग डालूंगा, यहाँ से ब्रांच की हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर मैं ब्रांच का नेम लिख दूंगा। गाइज ये हुई हमारी बैंकिंग डिटेल्स जो कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, ये हुई बैंकिंग डिटेल्स और इसका शॉर्टकट तरीका हो गया और इसका शॉर्टकट यानी कि वर्ड हो गया बैंक, यानी कि अगर हम बैंक डालेंगे तो हमारी ये ऑटोमेटिकली बैंकिंग डिटेल्स नीचे की तरफ ऑटोफिल होकर आ जाएगी। सब डिटेल्स डालने के बाद मैं इसको बैक करता हूँ, ये नीचे एक्सेसिबिलिटी जो है सर्विस हमारी इनेबल नहीं हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसको इनेबल करना है। इनेबल पर आपको क्लिक करना है, इनेबल पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको इनेबल पर क्लिक करना है। इनेबल पर क्लिक करने के बाद गाइस सबसे नीचे आपको जाना है, तो यहाँ एक्सपेंड टेक्स्ट में लिखा हुआ नजर आएगा आपको एप्लीकेशन का नेम, इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के लिए ऊपर से ऑन करना है, ओके करना है। करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी जो टेक्स्ट पेंड की एक्सेसिबिलिटी वो यहाँ पर ऑन हो गई है। सिंपल से मैं बैक करता हूँ, बैक करने के बाद यानी कि आप देख सकते हैं ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप के अंदर जाकर। व्हाट्सएप के अंदर जाने के बाद गाइस जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैंक, सिंपल से बैंक लिखने के बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर ये सब चीजें आ गई, मैं इसको सिंपल से क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सब चीजें आ गई है, हम यहां से इसको सेंड भी कर सकते हैं। सो गाइस कोई और शॉर्ट तरीका आप लिखना चाहते हैं यहां से जाकर आप इस एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन करेंगे तो यहां पर आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रेज पर आपको क्लिक करना है। शॉर्टकट में आपको क्या लिखना है, शॉर्टकट में आप जो भी लिखना चाहते हैं एड्रेस लिख सकते हैं यहां पर, एड्रेस या एड भी आप लिख सकते हैं। गाइस एड लिखने के बाद यहां पर आपको क्लिक करना है अपने एड्रेस पर, एड्रेस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं जो कि आपका एड्रेस होगा, कुछ भी यहां पर आप एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे यहां पर मेरा इतना लंबा जो है ये एड्रेस है। एड्रेस डालने के बाद मैं इसको फिर से एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद ये मेरा जो है एड्रेस है, काफी लंबा एड्रेस है जो कि आप देखो देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर। गाइस यहां पर ये एड्रेस डालने के बाद मैं सिंपली इसको बैक करता हूं, बैक करने के बाद ये जो है हमारा एड्रेस, मैं सिर्फ ऐड डालूंगा यहां पर व्हाट्सएप पर, ये हमारा एड्रेस जो है यहां पर ये आ जाएगा। जैसे कि यहां पर गाइस मैं आपको दिखा देता हूं, मैं सिंपली से ऐड डालूंगा, ऐड डालने के बाद ये सिंपली से मेरा एड्रेस आ गया, मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं यहां से इसको एड्रेस को भेज भी सकता हूं। सो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।